हेलो। हाँ बाबू, खाना हो गया, 7 बजे बना के रख देती हूँ। बात करने के लिए लेट होता है ना बाबू। हाँ तुम खाना खा लिए हो? हाँ बाबू, मैं ये बोल रही थी कि आज मैं ज्यादा रात तक बात नहीं कर पाऊंगी, कल मेरा टेस्ट है ना मैथ का। बाबू तुमको बहुत शक होता है ना, आज मैं तुमको एक शायरी सुनाती हूँ, फिर तुमको जिंदगी में कभी शक नहीं होगा। सुनो, प्यार हर कोई कर सकता है, प्यार हर कोई कर सकता है, लेकिन भरोसा हर कोई नहीं कर सकता। हाँ इसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे मेरा फोन बिजी आएगा तो तुम ये समझ लेना कि मेरे मौसी का फोन है। नहीं, अब मैं मौसी से नहीं बात करती, मौसी की वजह से मेरे रिलेशनशिप में दरार आ रही थी। मेरी मम्मी मौसी से बात करती हैं। हाँ अरे, चार चार ठे मौसी हैं तो बात करते टाइम लग जाता है। बाबू एक गुड न्यूज है, कल मेरे घर में ना दिखैया आ रहे हैं, मेरे नहीं मेरे जिज्जी के। काहे इतने सहूर नहीं है कि बड़किया बिटिया काज नहीं हुआ छुटकिया का पहलन होने लगेगा। हाँ लंठ ही हो यार, मैं इतना खुश इसलिए हूँ। अब मैं जीजा से भी बात करने लगूंगी ना तो मेरा फोन और बिजी आएगा, लेकिन तुम शक बिल्कुल ना करना, नहीं तो रिलेशनशिप में दरार आ जाएगी। हेलो, अरे भूल नहीं गई हूँ, गुड मॉर्निंग में किसी का फोन नहीं उठा पाती हूँ, गुड मॉर्निंग में हलवा बनाती हूँ तो खा कर मेरे ससुर जी हस्बैंड जी ऑफिस जाते हैं। अरे तुमसे बताऊं, मेरे महतारी बाप से अच्छे तो मेरे सास ससुर हैं। मुझे थोड़ा सा जुखाम हो जाता है ना तो मेरी सास खाना बनाती है, अब भड़वा मेरे ससुर माजते हैं, एकदम साक्षात देवता हैं। जितना दुख था ना मुझे मायके में, उससे लाख गुना सुख है मेरे ससुरे में। मम्मी कॉल करती हैं कि चली आओ तो जाने का मना नहीं करता। तुम्हारे जीजा जी एकदम हीरो, उनके सामने मैं एकदम 0/0। उनकी या मेरी फोटो देख लोगी ना तो लगेगा ही नहीं कि अरेंज मैरिज है, ऐसा लगेगा कि हम लोग की लव मैरिज हुई है। मोहल्ला मेरी सास से कहता है कि आपकी लव मैरिज वाली पतो कहाँ गई। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी बीवी आ गई, ठीक है मैं शाम को बात करती हूँ, ठीक है रखो। जब मैं तुमसे बात करना स्टार्ट की थी तो तुम मुझसे क्या बोले थे कि मेरा BA MSc कम्प्लीट है, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। नहीं, अब कम्प्लीट हो गया तुम्हारा नीट? आज मैं देखी हूँ ना, वही ठेले के पीछे खड़ी थी। हाँ जब तुम चिल्ला रहे थे केला 40 रुपया, केला 40 रुपया। नहीं अब तो औकात आ गए ना सामने, अब ज्यादा हमारी स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि धरती में तुम्हें बस लड़के हो? सुन लो ना, धरती में लड़कियों की कमी है ना लड़कों की कमी है। अगर तुमको मेरे जैसे 36 मिल जाएंगी ना तो मेरे पीछे तो फिर लाखों पड़े हैं। थोड़ी बटाता है। सब लड़कियों का ना बनाए रहना, मैं सब लड़कियों से हट के हूँ। वही लड़कियों ब्रेकअप होने पर ब्लॉक कर देंगी, फिर 2-4 सैड स्टेटस लगाएंगी, दूसरे दिन अनब्लॉक कर देंगी, लेकिन मैं ब्लॉक बिल्कुल नहीं करूंगी। रुको, 1 घंटे के अंदर 4 ठे लौंडा साट के दिखाती हूँ, रखो फोन। हेलो। ना बाबू तुम इतना लेट उठे हो, कल रात में जब मैं तुमसे बात कर रही थी तो मैं तुमको बताई थी ना कि मैं सवेरे 5 बजे उठ के छत में तुम्हारा वेट करूंगी। कपारे में इतना घाम चढ़ा है, अभी 5 बज रहा है। बाबू मैं ये कह रही थी, मेरा और तुम्हारा घर आमने सामने है ना, तो तुम अपने घर के सामने वाली दीवार तोड़वा के वहाँ पे एक खिड़की लगवा लो। हाँ तो फेस टू फेस मैं तुमको झांका करूंगी खिड़की से। हाँ वीडियो कॉलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। में कहाँ जा रहे हो बाबू गाड़ी लेके? अच्छा आटा पिसाने जा रहे हो? बाबू मेरा भी थोड़ा सा बेसन पिसवा देना, लेते जाओ, मेरी बुआ आ रही है आज। हाँ सुनो बाबू, मोहल्ले में किसी से बताना नहीं कि मेरा तुम्हारा चक्का चल रहा है, कोई अगर पूछे ना तो बोल देना कि मेरी बहन।